जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की सतयुगी व्यवस्था ग्रामवासियों को निमंत्रण देने जाते हुए प्रेमी भाई बहन जाने से पहले सतगुरु दयाल की प्रार्थना अर्ज करते हुए जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कितना बड़ा हो जाऊँ स्वामी जी महाराज का आदेश के पालन में। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करें। जय गुरुदेव स्वामी जी पिता हमारे जल जी पार करें।
वह काम है जिसको इंसान नहीं कर सकता और प्रभु से हो रहा। समर्थ मालिक महान को अपने अपने हृदय में आप सिरोधार करें, धारण करें मालिक का, चिंतन करें, ध्यान करें और मालिक का ध्यान करके मालिक को प्रणाम करके अंदर अंदर अब यहाँ से आगे आगे घंटा संग बजेगा और मार्गदर्शक लोग चलेंगे, पीछे से प्रेमी जनों को छोड़ा जाएगा। जय गुरुदेव। पहले यहाँ से राम सभा महुआ के लिए निकलेंगे लोग, मार्गदर्शक प्रेमी जन आगे जाए, आप घंटा संग आगे बजेगा। जिनके जिनके लिए हिदायत किया जाएगा वही लोग पहले निकलेंगे। जो माताओं बहनों की पहली लाइन है पहले उनको छोड़ा जाएगा और एक भाई पुरुष, एक लाइन पुरुष भाई लोगों की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी जनों आप सड़क पर भी लाइन लगा कर ही चलेंगे, पंक्तिबद्ध होकर चलेंगे, बाई तरफ से सड़क का दाहिना हिस्सा खाली रखें। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। अभी जिन लोगों को रोका गया आप लोग खड़े रहिए अपनी जगह पर, जब आपको आदेश दिया मिला मिलेगा यदि ये लोग पूरे निकल जाएंगे और जब आपको कहा जाएगा आप निकलिए तब आप निकलेंगे। अभी आप अपनी जगह पर खड़े रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय पास जाके बताइए रोड से नहीं, पास में बताइए रोड से। ग्राम देते हैं बोली हाथ होकर फिर कहिए महाप्रसाद लेना आइए भैया। हर कन्या को अपने हाथ से पैसा देंगे बरकत। बाबा जी का कहना है कि आप घरों में रोज चूल्हा जलाते हैं, भोजन बनाते खाते हैं, वो साधारण भोजन है। बाबा जी आज सभी के लिए भंडारों में महाप्रसाद तैयार करवा रहे हैं।
जिसको खाने से जो आने वाला खराब समय है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, उसमें आपका बचाव होगा। दूसरी बात, आपके घर में जितनी कुंवारी कन्याएं हैं, अविवाहित बच्चियां हैं, उनको आप साथ में लेकर आइए। 12 बजे कुटी गेट पे वहां लाइन लगी रहेगी, बाबा जी कन्या पूजन करेंगे और हर कन्या को अपने हाथ से पैसा देंगे, बरकत और महाप्रसाद देंगे, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनके सती तौर चरित की रक्षा हो, कल को शादी विवाह होगा तो अपने घर में वो सुखी संपन्न रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से महात्मा की भूमिका व्यवस्था है, इसका लाभ लीजिए। वहां पर एक चमत्कारी परिक्रमा झंडा गड़ा हुआ है, उसकी परिक्रमा करने से हमारी यहाँ की कोई भी शारीरिक बीमारी है, भूत प्रेत का बाधा है, वो सब दूर हो जाएगा। आप सब इस चीज का लाभ लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। आज समापन के अवसर पे बाबा जी ने आप सबको निमंत्रण दिया है। बाबा जी का कहना है कि आप घरों में रोज चूल्हा जलाते हैं, भोजन बनाते खाते हैं, वो साधारण भोजन है, आज चूल्हा मत जलाइए। बाबा जी आप सभी के लिए भंडारों में महाप्रसाद तैयार करवा रहे हैं, जिसको खाने से जो आने वाला खराब समय है, नई नई बीमारियां आ रही है, उसमें आपका बचाव होगा। आप सभी वहां 12:30 बजे पहुंचे हैं परिवार सहित और भोजन महाप्रसाद ग्रहण करें। दूसरी बात, आपके घर में जो कन्याएं बच्चियां हैं, अविवाहित कन्याएं हैं, उनको साथ में लेकर आइए। 12 बजे वहां पे कन्या पूजन होगा, लाइन लगी रहेगी कुटी गेट के पास, बाबा जी हर कन्या को अपने हाथ से पैसा देंगे, बरकत और महाप्रसाद देंगे, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे, कल को शादी विवाह होगा तो अपने घर में वो सुखी संपन्न रहे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके सती तौर चरित की रक्षा हो। इस तरह से महात्माओं की भूमिका व्यवस्था है, इसका लाभ लीजिए। वहां आपको कोई रुपया पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। वहां पर एक चमत्कारी झंडा गड़ा हुआ है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जिसकी परिक्रमा करने से हमारे आपका जो शारीरिक कष्ट है, बीमारियां है या भूत प्रेत का साया है, वो सब ठीक हो जाता है, इसका लाभ लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और हर कन्या को अपने हाथ से पैसा देंगे, बरकत और महाप्रसाद, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनके सती तौर चरित की रक्षा हो, कल को शादी विवाह हो तो अपने घर में सुखी और संपन्न रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से महात्मा की भूमिका व्यवस्था है, इसका लाभ लीजिए। वहां पर एक जय गुरुदेव नाम प्रभु का चमत्कारी झंडा गड़ा हुआ है, जिसकी परिक्रमा करने से हमारी आपकी जो भी शारीरिक बीमारी है या भूत प्रेत का साया है, वो उतर जाता है, इसका लाभ लीजिए। वहां आपको कोई भी रुपया पैसा खर्च नहीं करना है, सारी वहां सुविधाएं व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी के लिए बाबा जी आज सत्संग में कुछ स्पेशल बोलेंगे, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आप वहाँ जरूर पधारें। जय गुरुदेव, जय बट गए ऐसा, ये लोग जा रहे हैं 400 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और बढ़िया है, चलिए आएंगे कल। जय गुरुदेव। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय भंडारा महाराजगंज में, मालिक के आदेशानुसार महाप्रसाद तैयार हो रहा है। हम राष्ट्रीय भंडारा महाराजगंज में आ चुके हैं, देखिए महाप्रसाद तैयार करते हुए प्रेमी भाई। स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार महाप्रसाद तैयार कर रहे हैं प्रेमी, देखिए। देखिए बहने और माताएं पूरी की सेवा करती हुई, महाप्रसाद बहनों और माताओं द्वारा तैयार करवा रहे हैं स्वामी जी महाराज। देखिए यहाँ माताएं बहनें आलू की सेवा कर रही हैं। सब्जी काटी जा रही है, देखिए माताएं बहनें सब्जी की सेवा कर रही हैं। देखिए सत्याग्रह के डायरेक्टर साहब सेवा करते हुए
महाराजगंज भंडारे में। देखिए यहाँ के व्यवस्थापक महोदय यहाँ सेवा करते हुए, यहाँ बहने आटा गोटती हुई, स्वामी जी महाराज के साथ चलने वाला राष्ट्रीय भंडारा रीवा संगत मध्य प्रदेश का। अब चलते हैं यहाँ, देखिए प्रेमी, जय गुरुदेव। देखिए बहने यहाँ पे आलू की सेवा करती हुई वहाँ पर, यहाँ हमारे भाई लोग आटा घोटते हैं, यहाँ प्रेमी महाप्रसाद तैयार कर रहे हैं, हमारे पंकज भैया यहाँ सब्जी की सेवा कर रहे हैं। ये गुरुदेव नाम प्रभु का छोट छोट लड़का से जो हवाई में महाप्रसाद तैयार करते हुए प्रेमी भाई। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय जय गुरुदेव। धुलवा उसको पानी में, धुलवा लावा महाप्रसाद तैयार कर रहे हैं। दीदी ने छुटके खा रहा होगा। प्लास्टिक की पन्नी चल रहा है, गुलिया गुलिया फटाक गुलिया। सुनो ये चलो बेटा, अरे लाइन में बेटा, हाँ हाँ बताने की चलिए 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 वही से अंकल बना के हम लोग कैसे पैसा अपना खर्च कीजिए, मम्मी को दे दीजिए। तुम